जैसा कि आपको पता है कि 2022 में डीएलएड की अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, जो कि हर कॉलेज अलग अलग तरीके से अलग अलग अपनी अपनी वेबसाइट से ले रहे हैं। तो आप कहीं से भी है तो आप कहीं के भी कॉलेज से अप्लाई कर सकते हैं। मार्क विशेष पर यहाँ पे आपको डीएलएड ट्रेनिंग कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बिहार की राजधानी पटना से जो कॉलेज है वहाँ से किस तरह अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको डाइट मधेपुरा में एक कॉलेज है उसके बारे में बताया था, और मधेपुरा के ही सुखासन में एक और कॉलेज है तो इसके बारे में बताया था। पीछे मैंने तीन वीडियो आपको दिया हूँ जो डीएलएड अप्लाई के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बताया हो, वो तीनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो तीनों वीडियो को आप देख के वो समय भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे बिहार के अररिया जिला, बिहार के अररिया जिला में फारबिसगंज में एक डाइट कॉलेज है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अररिया में जो डाइट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जो कि फारबिसगंज में है, तो आज के इस वीडियो में बताएंगे उस कॉलेज में किस तरह आवेदन कर सकते हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज है जो फारबिसगंज में है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं फारबिसगंज में किस तरह अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपको फारबिसगंज की डाइट कॉलेज की वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे आप डायरेक्ट ब्राउजर में सर्च करेंगे dietfarmisganj.in, तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन डीएलएड एडमिशन 2022, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है जनरल और ईबीसी और बीसी को आवेदन करने के लिए इंटर में कम से कम 50% मार्क रहना चाहिए, और एससी एसटी और दिव्यांग को 45% वगैरह मार्क है इंटर में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एससी एसटी दिव्यांग को 45% से कम मार्क तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जनरल ईबीसी बीसी को अगर 50% से कम मार्क है इंटर में तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ याद रखिएगा जब भी अप्लाई कीजिएगा तो 50% होना चाहिए इंटर में जनरल ईबीसी और बीसी को, और एससी एसटी दिव्यांग को कम से कम 45% होना चाहिए इंटर में। जिसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर अवेलेबल रहना चाहिए और ईमेल आईडी रहना चाहिए, और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में यहाँ चाहिए पूरी चीज़ विस्तार से बता दिएगा। चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्लोज पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का फुल नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का ईमेल आईडी और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल देंगे। उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे कुछ इस तरह का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे यूजर नेम रहेगा, यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और पासवर्ड में यहाँ पे स्मॉल लेटर में वेलकम लिखना होगा। तो यूजर नेम जो वो मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है वो वेलकम है, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने का फिर इस तरह का सूचना आता है, इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ मोबाइल नंबर आपका अगर जाता है तो यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी लिखना होगा, वेलकम स्मॉल में लिखना होगा, ठीक है। वेलकम लिखेंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे पुराना पासवर्ड जो आपको मिला था यानी कि वेलकम मिला था तो वेलकम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे न्यू पासवर्ड देंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। ये पूरी डिटेल देंगे, पासवर्ड देने के बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। यहाँ पे टोटल आपको इतने स्टेप से गुजरना होगा, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, उसके बाद एडुकेशन डिटेल देना होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहला जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके लिए यहाँ पे क्लिकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे उनके फादर्स का फुल नेम, उनका मदर्स का फुल नेम, और यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ मैरिटल स्टेटस देंगे, इसकी शादी हो गई या नहीं हुई है, अगर नहीं हुई तो अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे, हो चुकी है तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देंगे, तो आधार नंबर जो तो यहाँ पे उनका स्टूडेंट का आधार नंबर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे में उनका पूरा एड्रेस देना हो, सिटी देना हो, डिस्ट्रिक्ट देना होगा, स्टेट, उसके बाद पिन कोड देना होगा, और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे डू करेंगे, ये दोनों एड्रेस सेम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपके ईमेल आईडी आज शो कर जाएगी। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर अगर देना चाहे दूसरा नंबर दे सकते हैं, नहीं तो अगर यही व्हाट्सअप नंबर देते हो व्हाट्सअप नंबर में आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है रिलीजन किस धर्म से, वो धर्म को सिलेक्ट करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी धर्म। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर देना होगा, स्टेट बिहार तो बिहार। उसके बाद यहाँ कैटेगरी देना होगा, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल एससी एसटी ईबीसी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट क्या कर रहा है वो आपको देना होगा, स्टूडेंट है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयर है तो वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके गार्जियन की सालाना इनकम क्या है वो देंगे, उनके गार्जियन जो वो क्या करते हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, क्या है वो आपको यहाँ पे देना होगा।
उसके बाद अगर वो विकलांग वगैरह हैं तो किस टाइप के विकलांग वो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर है तो टाइप सेलेक्ट करेंगे किस टाइप के विकलांग है और कितना परसेंट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या EWS कैटेगरी से ये आ रहे हैं, अगर EWS कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। अगर EWS कैटेगरी से को सिलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको आरक्षण मिलेगा EWS। तो ये पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करनी होगी जिसकी कि 50 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ फोटो अपलोड करेंगे, उसी के साथ साथ सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर की भी 20 KB से कम होनी चाहिए। ये पूरी डिटेल देने के बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जब आप फिलअप करते हैं उसके बाद पूरी डिटेल देने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक, जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड हो चुका है और ओके करेंगे, उसके बाद देख सकते सिग्नेचर भी अपलोड हो, उसके बाद देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर दोनों चीज़ आपको यहाँ पे शो कर चुका है। मेरा फॉर्म जो है ये पूरा चीज़ सबमिट हो चुका है। सबमिट हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 10th की पूरी डिटेल देनी होगी, जैसे कि 10th यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th में ऑल सब्जेक्ट था, ठीक है वो सेलेक्ट करेंगे, 10th कब पास किए पासिंग ईयर देंगे, उसके बाद यहाँ पे 10th किस बोर्ड से किए हैं, बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड जो बोर्ड से किए वो देंगे, और वो किस स्कूल से किए 10th वो देंगे, ठीक है, और जिस बोर्ड से किए वो बोर्ड में जो मार्क्स विशेष था या ग्रेड विशेष था एग्जाम तो वो सिलेक्ट करेंगे, बिहार बोर्ड मार्क विशेष है उसको सिलेक्ट करेंगे। मार्क विशेष को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल फुल मार्क कितने फुल मार्क का एग्ज़ाम था बिहार बोर्ड में मैट्रिक 500 का, तो 500 देंगे, उसमें से कितने मार्क आया वो देंगे, यहाँ वो मार्क देंगे, जैसे मार्क देंगे इसका परसेंट जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी, उसके बाद पूरी मार्कशीट अपलोड करनी हो, मार्कशीट अपलोड करने के बाद मार्कशीट अपलोड करेंगे, मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्कशीट अपलोड कर देंगे। मार्कशीट अपलोड करने के बाद एड डिटेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्क्स डिटेल सेव्ड हो चुका है, हमारा मार्क्स डिटेल सेव, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं मैट्रिक की पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह आप मैट्रिक की हो चुकी, आप इंटर की यहाँ पे करेंगे, एडिट कर सकते हैं इसे, ठीक है, अगर इसे एडिट करना चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं, मार्कशीट को व्यू करके देख भी सकते हैं। ये 10th की पूरी मैंने पूरी डिटेल दे दी, अब 12 की पूरी डिटेल देंगे, उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्लिक करेंगे, 12 को सेलेक्ट करेंगे, 12 किस बोर्ड से थे मतलब किस सब्जेक्ट से साइंस आर्ट वो सेलेक्ट करेंगे, 12 की पासिंग ईयर क्या है, किस साल 12th पास किए थे वो देंगे, उसके बाद 12th कौन सी बोर्ड से किए थे वो देंगे, 12th की बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस स्कूल कॉलेज से 12th किए थे स्कूल कॉलेज का नाम देंगे, यहाँ पे मार्क ग्रेड वो देंगे, उसके बाद फुल मार्क कितने का था एग्ज़ाम में कितना आया उतनी के, उसके बाद यहाँ पे परसेंट आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते सेव हो चुका है डिटेल, उसके बाद देख सकते हैं मैट्रिक इंटर की दोनों की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, मार्क्सशीट जो अपलोड किए उसे आप फिर व्यू करके व्यू भी कर सकते हैं। इसी के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते, ये दो डिटेल मैंने दे दिया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्यू करके भी एडिट करके भी, उसके बाद ये पूरी डिटेल सही है तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जन्म प्रमाण पत्र उसको अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में कास्ट सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन का कोटा मतलब कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं आरक्षण का, तब यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है, तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, उसके बाद अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल अपलोडेड, तो ये अपलोड हो चुका है, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करें, उसके बाद देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पीछे जो डिटेल आपने फिलअप किया सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। यहाँ पे आएंगे अगर आप पे करना पे भी कर सकते, चलिए हम अभी पे नहीं करेंगे, अभी हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और डैशबोर्ड पे आपको दिखाते हैं। जैसा कि डैशबोर्ड पे आ गए यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो स्टेटस है यहाँ पे सभी टिक मार्क का लग चुका है, ठीक है, यहाँ पे मेरा सभी फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कोर्स अप्लाई पे क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर अप्लाई करेंगे फिर से वही पूरी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पे नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेमेंट पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप उसके बाद यहाँ पेमेंट पे क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, हर जिससे भी करना चाहे उसका चार्ज अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो यहाँ पे 160 रुपये कटेगा, डेबिट कार्ड से करेंगे 160, नेट बैंकिंग से 182 रुपये कटेंगे, UPI से करेंगे 182 रुपये कटेंगे, ठीक है। अगर वॉलेट से करेंगे तो यहाँ पे आपको
160 रुपये कटेंगे, अगर आप फ़ोनपे वगैरह से करेंगे तो 160 रुपये कटेंगे। चलिए फ़ोनपे से करेंगे पेमेंट, तो यहाँ पे 100 रुपये चार्ज है गवर्नमेंट का, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज बढ़ा के लिया जा रहा है जो 160 हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़ोनपे नंबर देकर लॉगिन करेंगे और यहाँ से पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपको एक पेमेंट रिसिप्ट भी मिल जाएगा। तो इसी तरह आप डाइट फारबिसगंज अररिया में DLA 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने पूरी चीज़ विस्तार से ऑनलाइन अप्लाई से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक का प्रोसेस जान गए होंगे।